मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है। और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकल के निकला हूं तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाइयों बहनों, विकसित भारत के चार स्तंभ है, गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन चारों स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। 2014 से पहले के 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ, और ये भी मेरा एक काम करेंगे, जरा मैं आपको पूछता हूं, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए करेंगे। मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे, किसानों को जाके बताएंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे हो रहा है, बताएंगे। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था। कांग्रेस के जमाने में 10 साल में कितना? 7.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना, 10 साल में 7.5 लाख करोड़। और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा, यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। और पहले तो पैसा मिलने में भी कई कई महीने लगते थे, अब पैसा सीधे किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है। साथियों, कांग्रेस ने गन्ना किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज गन्ने का एफआरपी करीब करीब 350 रुपये क्विंटल है, जबकि कांग्रेस की सरकार करीब 210 रुपये प्रति क्विंटल देती थी। ये आंकड़े याद रखना, मुंह तोड़ जवाब देना है झूठ बोलने वालों को। 2014 में जब हम लोग आए तब गन्ने का बकाया करीब 60,000 करोड़ रुपया था। किसान का पैसा था, उसकी मेहनत का पैसा था, 60,000 करोड़ रुपया बकाया था। जबकि इसी साल हमने 1,14,000 करोड़ की पेमेंट की है। यहां अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी, मैं सिर्फ इसी इलाके का बोल रहा हूं, इसी एक इलाके में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए।